बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इरफान महमूद बर्क है और मैंने एक कादियानी घराने में आँख खोली। हमारे ख़ानदान में हद्दे निगाह तक सब के सब कादियानी थे। मेरे दादा ने सबसे पहले कादियान के अंदर मिर्ज़ा कादियानी के हाथ पे अपने बचपन के ज़माने में बैत की और नौज़ बिल्ला उसे अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल मान लिया। इसके बाद हमारी पूरी नस्ल जो है वो एक भेड़ चाल चलते हुए कादियानियत के अंधे कुएं में गिरते चले गए। किसी ने कोई तहकीकात ना की, किसी ने कोई रिसर्च ना की, कुछ पढ़ा ना। जस्ट इसलिए कादियानी होते चले गए कि उनके बड़े यानी कि मेरे दादा ने इसको कबूल किया। तो मैंने भी इसी मजहब के अंदर आँख खोली, पला बड़ा। ये रब्बे कायनात का मुझ पर ख़ास फजलो करम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे हदायत के मोती अता फरमा दी और मैंने कादियानियत के बारे में बाकायदा तहकीकात की, रिसर्च की, कादियानियत की किताबों को पढ़ा, मिर्ज़ा कादियानी के कुफ्रिया अकायद और नज़रियात ख्यालात को पढ़ा। अल्लाह पाक के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें खुल गईं और मैंने फितनाए मिर्ज़ैयत पर करोड़हा लानते भेजकर अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। इस वाले से कुछ ख्वाबों के ज़रिए से भी मुझे इशारे मिले कि मैंने एक बार बचपन में ख्वाब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहल्ले में तशरीफ़ लाते हैं तो फल तकसीम फरमा रहे हैं, तो सबके घरों में करीम आका तशरीफ़ ले जाते हैं लेकिन कादियानियों के घर में नहीं जाते, कादियानियों का बाइकाट कर देते हैं। तो मेरी तरफ़ देख के सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तबस्सुम फरमाते हैं, मुस्कुराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में बाद मेरी आँख खुल जाती है। फिर कुछ अरसे बाद जब तहकीकात करता हूँ तो इस ख्वाब की ताबीर को पा लेता हूँ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कादियानियों के घर में क्यों ना गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया। इसके बाद मेहनत शुरू की, अपने घर में मेहनत की। मेरी वालदा मोहतरमा मरहूमा उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वफात से 1.5 माह कबल उन्होंने कादियानियत को छोड़ दिया और सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। फिर एक भाई वो मुसलमान हुआ, फिर दूसरे भाई ने विद फैमिली इस्लाम कबूल किया, फिर तीसरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो विद फैमिली मुसलमान हुआ। अब तक हमारे ख़ानदान के 36 से ज़्यादा अफराद फितनाए मर्दियत पे लानते भेजकर अल्हम्दुलिल्लाह दार इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह पाक का करम के 1.5 साल कबल मेरे वालद साहब ने, नज़ीर अहमद साहब ने भी मर्दियत को छोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। अभी चंद हफ्ते पहले मेरे फादर इन ला, मेरे सुसर अब्दुल क्यूम बट साहब जो कि कादियानियों के पूरे पाकिस्तान के बड़े मशहूर लॉयर हैं अब्दुल क्यूम बट, तो उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 हफ्ते पहले मर्ज़ैयत पे बकायदा लानते भेजी और सच्चे दीन इस्लाम को आपने भी कबूल कर लिया। मेरी तसनीफ़ कादियानियत इस्लाम और साइंस के कटहरे में जो पूरी दुनिया में पहुंची, उसकी इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुई, पहले इंडिया में हुई फिर पाकिस्तान में हुई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सीनियर सेक्रेटरी मोहतरम अहमद अली जफ़र साहब उन्होंने इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की, पूरी दुनिया में ये बुक पहुंची और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों कादियानी ये बुक पढ़ने के बाद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मैं यहाँ उम्मत मुस्लिमा के नाम एक बड़ा ही अहम पैगाम देना चाहता हूँ और मेरा पैगाम यह है कि कादियानियों को ये बात सिखाई जाती है कि आप मुसलमानों के साथ ज़ाहरी अखलाक से पेश आएं लेकिन दिलों में इनके बारे में कोड़ रखें, नफरत रखें, गमोगुसा रखें और जहाँ कहीं हो सके आप इन्हें डंग मारने से बाज ना आएं। ये बात बड़ी ही उसूली और बड़ी ही तयशुदा है कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिहाज नहीं करता, जिसकी डायरी में, जिसके जहन में अल्लाह उसके रसूल का लिहाज नहीं है, जो अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, माज अल्लाह उनकी शान में नज़ेबा कलमात कहता है, वो कभी भी उम्मत मुस्लिमा का खैरख्वाह नहीं हो सकता, वो कभी भी मुसलमान के साथ अखलाक से पेश नहीं आ सकता। ये सिर्फ इनका जाली बनावटी और ये दिखावे का अखलाक है जिसका हकीकत से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। मैं इस पे अपना एक घर का जाती वाकया करना चाहता हूँ कि कादियानी जाहरी तौर पे क्या हैं और पोशीदा बातनी तौर पे मुसलमानों के बारे में ये क्या, इनके व्यूज क्या हैं। मेरे बचपन के ज़माने में एक बार हमारे घर के अंदर मेरे दादे का एक मुसलमान मेहमान उससे मिलने के लिए आया। गर्मियों का महीना था तो मुझे मेरे दादे ने कहा कि आप दादी से जाके कहो कि एक गैर अहमदी एक मुसलमान मेहमान मिलने के लिए आया है, उसे कहो कि शरबत बनाए। और मुझे करीब करके मेरे कान में कहा कि उसे कहना कि शरबत के अंदर वो चीज़ भी शामिल करें। जब मैं दादी के पास पहुंचा जाके ये दादा जान का ये मैसेज दिया तो मेरी दादी ने गिलास के अंदर शेजान का शरबत हल किया, शरबत मिक्स किया, बनाया।
तो जब शरबत बन गया तो उन्होंने मुझसे छुपाने की कोशिश की और मुंह साइड पे करके शरबत के गिलास के अंदर थूक दिया। मुझे बड़ा धचका सा लगा। मैंने कहा, दादी आपने ये क्या गंदी हरकत की है कि शरबत के अंदर आपने थूक को शामिल कर दिया। तो दादी ने मुझे डांटा और कहा कि इस बात का किसी से जिक्र मत करना, तुम्हें नहीं पता, अभी तुम छोटे हो। ये जो मुसलमान है ना, ये आज के दौर के अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल मिर्जा कादियानी को नहीं मानते, इसलिए हम इनसे नफरत का, गम गुस्से का इजहार हम यूं करते हैं कि इनके खानों के अंदर, इनके पानियों के अंदर हम माज अल्लाह गलाजत भी डालते हैं, पेशाब भी डालते हैं और थूक भी डालते हैं, और ऐसा करने से हमें रूहानी तौर पे बड़ी तस्कीन मिलती है। यहां मैं आपको एक और कादियानियों का एक बहुत ही खतरनाक तरीका है वारदात, वो बताना चाहता हूं। कादियानी अमूमन मुसलमानों से ये कहते हैं कि जो कलिमा तुम पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वही कलिमा हम भी पढ़ते हैं, तुम भी नमाजें पढ़ते हो, रोजे रखते हो, अच्छे काम करते हो, हम भी करते हैं। तो ये उलामा और जो मौलवी हैं, ये जो मुफ्ती हैं, या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो आइन के अंदर जो ये चीज शामिल की गई कि कादियानियों को काफर कहा जाता है, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत है, ये हम पे खाम खा का हमें ये काफर बनाना चाहते हैं जबकि हम मुसलमान हैं। मैं इसमें कादियानियों की एक बड़ी ही अहम, इनकी ये जो तरीका वारदात है मुसलमानों को करीब करने का, ये जो इनकी प्रीचिंग है, इसके जरिए से ये मुसलमानों को तासर देते हैं कि हम तो मुसलमान हैं। मैं इसको वाजे करना चाहता हूं कि कादियानी जो हम मुसलमान कलिमा पढ़ते हैं, कादियानी वो कलिमा नहीं पढ़ते, कलमे के अल्फाज यही पढ़ते हैं, लेकिन इनका ये अकीदा है कि नाउज बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु के दो जन्म हुए, एक बार आप अरब में आए, दूसरी बार जब अल्लाह ने देखा कि इस दुनिया के अंदर फिस्को फजूर की बड़ी आंधियां चल रही हैं, हर तरफ नफसा नफसी है, हर तरफ इस्तराब है, बेचैनी है, तो अल्लाह को दुनिया पे तरस आया और नाउज़ बिल्ला अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह निकाल के कादियान के अंदर, नाउज़ बिल्ला मिर्जा कादियानी के अंदर दाखिल कर दी। आप मिर्जा कादियानी की किताब पढ़ें खुतबा लहामिया, उसके अंदर उसने वाज़े तौर पर लिखा कि माज़ अल्लाह, बल्कि यहां तक लिखा कि जो मेरी रूहानियत है, मैं भी दुनिया में मोहम्मद बन के आया, लेकिन मुझ मोहम्मद की रूहानियत पहले वाले मोहम्मद की रूहानियत से नाउज बिल्ला ज्यादा अकमल, अशद और ज्यादा भड़के और ज्यादा आला है नाउज बिल्ला। तो मिर्जाइयों की एक बड़ी मशहूर किताब है कलिमतुल फसल, मिर्जा कादियानी का बेटा मिर्जा बशीर अहमद है, उसने ये किताब लिखी, उसके अंदर उसने ये सफा 158 पे इस हकीकत को बयान किया। उसने कहा कि अल्लाह ताला का वादा था कि वो एक दफा और खातमन नबीयीन को दुनिया में नौज बिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह मबूस करेगा। कहता है कि पस मसीह मौद, यानी कि मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो नौज बिल्ला अशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में आ गए, इसलिए कलिमा के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद नौज बिल्ला मिर्जा कादियानी को लिया करो। तो ये है कादियानियत की हकीकत, ये है इनका असल चेहरा, ये है इनकी असल करतूत कि जो माज़ अल्लाह ये हैं कायनात के बदतरीन काफर, लेकिन खुद पे इस्लाम की मलम्मा साजी करके, खुद को मुसलमान जाहर करके ये उम्मत मुस्लिमा का ईमान खराब करते हैं, उनका ईमान बर्बाद करते हैं। तो मैं मुसलमानों के नाम यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कादियानियों का मुकम्मल बाइकाट करें, इनसे लेन देन इस्लाम के अंदर 100% हराम है। कादियानियों से किसी किस्म के लेन देन नहीं हो सकते, इनके घरों का खाना मत खाएं, ये आपको खाने के नाम पे गलाजत खिला रहे हैं। मैं घर के बेदी की हैसियत से, साबक कादियानी की हैसियत से ये सारी उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दे रहा हूं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।